आफ्टरनून स्टूडेंट बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी साइंस की बुक का चैप्टर 2। ओके, चैप्टर का नाम है हमारा फूड फ्रॉम प्लांट। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमें जो हम जो फूड ईट करते हैं वो मेनली जो फूड होता है हमें प्लांट से मिलता है ना, जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, वेजिटेबल्स, ये सभी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। ओके, देखिए हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। ओके, यहाँ पे हमें इमेज दी गई है, कुछ फ्रूट्स की इमेज दी गई है और नीचे हमें उसकी इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स दी गई है, हमें स्पेलिंग कम्प्लीट करना है। जैसे हमें फर्स्ट इमेज दी है बनाना, फिर दिया है हमें मैंगो, देन हमें दिया है एप्पल एंड ऑरेंज। ओके, और हमें यहाँ पे स्पेलिंग इनकम्प्लीट दी है, जैसे बी, फिर ब्लैंक स्पेस दी गई है, फिर एंड ए स्पेस देकर और ए, है ना। हमें यहाँ पर बनाना की स्पेलिंग कम्प्लीट, ओके, यहाँ हमें ऑरेंज मैंगो की स्पेलिंग कंप्लीट करना है, एप्पल एंड ऑरेंज की स्पेलिंग कंप्लीट करना है। ओके, तो इस एक्सरसाइज को बेटा आपको सॉल्व करना है। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 का। ये देखते हैं, प्लांट्स आर द ओनली लिविंग, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिर्फ लिविंग थिंग्स होते हैं। हमने पढ़ा था, हमने पढ़े थे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, टू टाइप्स की होती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो जो प्लांट होते हैं वो ओनली लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग नहीं होते, वो क्या होते हैं? केवल लिविंग थिंग्स। दैट कैन मेक देयर ओन फूड, जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हमने प्लांट का चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लांट पढ़ा, जो प्लांट है वो का एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सन की लाइट और वाटर मिनरल्स, वाटर से हम देते हैं तो सॉइल से वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करके और अपना फूड खुद बनाते हैं ना। ठीक है, ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स, ह्यूमन बींग और एनिमल्स है, ह्यूमन बींग मतलब हम, है ना, हम इंसान, एंड एनिमल्स, और जो एनिमल्स है वो डिपेंड होते हैं, मतलब किस पे डिपेंड होते हैं? ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। क्यों होते हैं? फॉर देयर फूड, उनके भोजन के। मतलब जो एनिमल्स है और हम जो है ह्यूमन बींग, मतलब हम इंसान ही, हम किस पे डिपेंड होते हैं बेटा? फूड के लिए, प्लांट्स पर। अगर प्लांट्स नहीं होगा, जैसे बनाना प्लांट, अगर बनाना प्लांट नहीं होगा तो हमें बनाना ईटिंग करने के लिए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना बेटा, क्योंकि प्लांट ही नहीं होगा तो हमें बनाना कहाँ से मिलेगा? तो हम बनाना ईट करने के लिए किस पर डिपेंड है? बनाना प्लांट पर। ऐसे ही बाकी जो फ्रूट्स हैं, हम सभी को खाने की, सभी को ईट करने के लिए किस पर डिपेंड है? उनके प्लांट्स पर डिपेंड है। और जैसे वीट, गेहूँ भी हमें प्लांट से मिलता है, तो हम किसके किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। मतलब हम फुल्ली पूरी तरह से, जो ह्यूमन बींग और एनिमल्स है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड होते हैं बेटा? प्लांट पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स। मतलब जो हम मोस्ट ऑफ, मतलब जनरली हम जो ज्यादा चीजें यूज करते हैं, जो ईट करते हैं, खाते हैं, वो हमें सभी कहाँ से मिलती है बेटा? प्लांट से मिलती है। सम प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, मतलब जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं। सम प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? वेजिटेबल्स देते हैं। मतलब जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें वेजिटेबल्स देते हैं। ठीक है, फ्लेशी एंड जूसी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड अ फ्रूट। मतलब जो फ्लेशी, मतलब जो मोटा पार्ट होता है, और जूसी पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। फ्रूट आर इटन रॉ, मतलब जो फ्रूट होता है हम उसे रॉ ईट करते हैं। रॉ मतलब कच्चा। अब हम जो, जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए बनाना, तो बनाना को हम बॉइल करके यूज करेंगे या पका के यूज करेंगे? नहीं ना, उसे हम रॉ ईट करेंगे। मैंगो को भी हम रॉ ईट करेंगे, एप्पल को भी हम रॉ ईट करेंगे, लेकिन कुछ जो वेजिटेबल्स होती है उससे हम रॉ ईट करते हैं क्या? नहीं, उसे हम क्या करते हैं? पहले पकाते हैं, उसके बाद ईट करते हैं। ओके, इसे हम यहाँ पे कुछ दिया, कुछ एग्जांपल के लिए कुछ फ्रूट दिए गए, जैसे एप्पल, पपाया, ऑरेंज एंड बनाना। ओके, इसे हम कैसे यूज करते हैं? रॉ यूज करते हैं, मतलब हम उसे कच्चा यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आगे हमारे पास है वेजिटेबल्स आर यूज्ड इन सर्वर डिशेस। जो वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स आर यूज्ड
इन सर्वर डिशेस, जो वेजिटेबल्स होती है वो कई सारी डिशेस होती है, वी यूजुअली कुक वेजिटेबल, जो जनरली वेजिटेबल्स होती है उसे हम क्या करते हैं, कुक करते हैं. सम वेजिटेबल्स कैन बी इटन रॉ सच एज कैरोट ओनियन एक्सेट्रा, मतलब कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती है जिसे हम रॉ यूज करते हैं, कच्चा यूज करते हैं, जैसे कैरोट है ना, कैरोट, कैरोट को हम बॉइल करके यूज करते हैं कि पका कर यूज करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं ना, ऐसे ही खाते हैं. ओनियन, ओनियन भी हम ऐसे ही खाते हैं, मेनली हम ओनियन ऐसे ही इट करते हैं, है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा सलाद के, ठीक है, जिसे हमें यहाँ पर दिया गया है, वेजिटेबल्स के, वेजिटेबल्स की हमें पिक्चर दी गई, जैसे दिया है हमें टोमेटो एंड चिली. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ द गिवन वेजिटेबल, हमें यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दी गई है, जैसे हमें सबसे पहले देखा, देखिए पिक्चर में क्या दिया गया, लेडी फिंगर है ना, हमें इसकी इमेज दी गई, हमें यहाँ पर वेजिटेबल्स का नाम नोट करना है. ओके, सेकंड फिर आपको जो इमेज में दिया गया उसका नाम नोट करना है, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर हमें कुछ वेजिटेबल्स दी गई है, उन वेजिटेबल्स के हमें नाम नोट करना है. ओके, नेक्स्ट देखिए अगला हमारे पास है पल्सेस एंड सैरल्स, ठीक है, पल्सेस एंड सैरल्स, पल्सेस मतलब होता है दाले, ओके, और सैरल्स मीन्स होता है अनाज, ठीक है बेटा. देखिए सम प्लांट्स गिव अस पल्सेस, मतलब जो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हमें पल्सेस देते हैं, मतलब जो दाले देते हैं, है ना, एंड और सैरल्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें सैरल्स अनाज देते हैं. ऑल दाल्स किडनी बीन्स एंड ग्राम आर पल्सेस, देखिए ऑल दाल सभी दाल किडनी, जैसे ऑल दाल्स किडनी बीन्स एंड ग्राम आर पल्सेस, मतलब ये जितनी भी दाल होती है किडनी, जितनी भी दाले होती है और किडनी मतलब राजमा, किडनी बीन्स मतलब जो राजमा होता है, एंड ग्राम और चने होते हैं, आर पल्सेस, ये सभी क्या होते हैं, पल्सेस. देखिए यहाँ पर हमें इमेज दिया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस एंड सैरल्स, ओके, हमें कई डिफरेंट टाइप्स की पल्सेस दाले और सैरल अनाज दिया गया है, ठीक है. पल्सेस आर द यूज, पल्सेस आर द सीड ऑफ प्लांट, जो पल्सेस होती है वो क्या होती है, प्लांट की सीड होती है, क्या होती है, सीड होती है. वी कुक पल्सेस बिफोर इटिंग, वी कुक पल्सेस बिफोर इटिंग, जो पल्सेस होती है उसे हम क्या करते हैं, बिफोर इटिंग, कुक कुक करते हैं बिफोर इटिंग, मतलब खाने से पहले, जो दाले होती है उसे खाने से पहले क्या करते हैं, कुक करते हैं. अच्छा आप लोगों ने भी, आपने भी देखा होगा जो दालें होती है, जो पल्सेस होती है उसे हम डायरेक्टली कुक कर देते हैं क्या, डायरेक्टली ईट कर लेते हैं क्या, नहीं ना, जैसे हमारे घर में मम्मी ने तुअर की दाल बनाई है ना, तो हम तुअर की दाल को डायरेक्ट ईट करेंगे क्या बेटा, नहीं करेंगे ना, पहले मम्मी उसे कुक करेंगे, देन आफ्टर हम उसे ईट करेंगे. दे कंटेन प्रोटीन दैट हैज यूज्ड टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, दे कंटेन प्रोटीन, इनमें क्या होता है, जो दालें होती है ना बेटा, इन दालों में प्रोटीन होता है, दैट हेल्प, जो हमारी हेल्प करता है अस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, हमें ग्रो बढ़ा बढ़ने के लिए और बिकम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इसलिए जो पल्सेस होती है हमें मेनली सारी पल्सेस ईटिंग करना चाहिए, सारी पल्सेस हमें ईटिंग करना चाहिए, क्योंकि हर पल्सेस में अलग अलग टाइप का प्रोटीन होता है जो हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने में हमारी हेल्प करता है. ओके, वीट राइस एंड कॉर्न, वीट मीन्स होता है बेटा गेहूं, राइस चावल एंड कॉर्न, और कॉर्न मीन्स होता है भुट्टा, आपने ईटिंग किया होगा ना, और राइस तो सभी ईटिंग करते होंगे, मेनली बच्चों का फेवरेट होगा, मेरा भी फेवरेट है. वीट राइस एंड कॉर्न आर सम सैरल्स, जो वीट होता है, गेहूं, राइस, चावल एंड कॉर्न, और जो भुट्टा होता है, भुट्टा, आर सम सैरल्स, ये सभी क्या है, सैरल्स है. सीड्स ऑफ सम प्लांट, और ये भी सभी कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, आर सैरल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैरल, सैरल्स आर आल्सो कॉल्ड पाउंड ग्रेन, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन, अनाज कहते हैं, फूड ग्रेन, सॉरी, सैरल्स आर आल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन, और इन्हें हम क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं. दे गिव अस एनर्जी, और ये हमें क्या देते हैं बेटा, एनर्जी देते हैं. ओके, तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक, आज हम इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर को हम
नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, बाय एवरीवन।